13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं पीएचपी न्यूज, जहां सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मौजूदा सांसदों और पूर्व सांसद के जरिए इशू होने वाले पास को रद्द कर दिया है। वहीं विजिटर डिजिटल पास बनने पर भी रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक कोई डिजिटल पास इशू नहीं होगा। अब इसी मामले को लेकर एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मामले में लोकसभा के 8 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस मामले में और भी लोगों को पर गाज गिर सकती है, यानी जो उस दौरान संसद में मौजूद थे कर्मचारी, उन पर भी गाज गिर सकती है। ये फैसला स्पीकर को लेना है। उधर पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत यानी देशद्रोह के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने कहा है कि 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। 2 संसद के अंदर पकड़े गए हैं और 2 संसद के बाहर दबोचे गए हैं। ये 4 लोग योजना में शामिल थे। सभी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ साथ UAPA की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। उधर संसद की सुरक्षा में बुधवार को बड़ी चूक हुई, उसी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। संसद और आसपास के इलाकों को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बल इस इलाके से गुजरने वाले हर वाहन और व्यक्ति की गहन चेकिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को सांसदों को नए भवन तक पहुंचने के लिए अपने स्मार्ट कार्ड तैयार रखने के लिए कहा गया है। वहीं पूरे मामले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। सियासत गर्माने का एक कारण ये भी है कि जो 2 लोग संसद के अंदर पहुंचे थे, उनका विजिटर पास मैसूर से बीजेपी सांसद के नाम पर इशू हुआ था, यानी वो बीजेपी सांसद के गेस्ट थे। विपक्षी नेता बीजेपी पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर गहन जांच की मांग की है। मामले को लेकर विपक्षी नेताओं का गुस्सा संसद में भी देखने को मिला, जहां संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा की चूक के मामले को हंगामे बदल दिया, यानी वो तमाम विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे और सुरक्षा पर सवाल करने लगे, मोदी सरकार पर सवाल करने लगे, उनकी सुरक्षा पर सवाल करने लगे। राज्यसभा में TMC सांसद डेरेक ओबेरॉन वेल में आ गए, जिससे स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने डेरेक को सदन से बाहर जाने को कहा। इसके बाद डेरेक को बचे हुए सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सांसदों को ध्यान रखना होगा कि वो लोग ऐसे लोगों को संसद में दाखिल होने का पास ना दें, जिनकी वजह से अराजकता फैलने का डर रहता है। लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच सभी को आश्वासन दिलाया कि उनकी सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी। लेकिन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक ये सवाल कर रहे हैं सरकार से कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कैसे, जब सुरक्षा संसद में सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम है कि कोई भी आम जन पेन तक लेकर नहीं जा सकता, तो फिर ये पेपर स्प्रे, जिनको कलर बम भी कहा जा रहा है, वो अंदर पहुंचे तो पहुंचे कैसे। ये एक बड़ा सवाल है सुरक्षा पर, सुरक्षा एजेंसियों पर, सरकार पर। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल THP न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।